राजस्थान के बीकानेर और यूपी के कई शहरों में चली धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा। आसपास के राज्यों में धूल भरी आंधी चलने से दिल्ली एनसीआर में छाया धूल का गुबार, हवा के प्रदूषण का स्तर बढ़ा। मोदी की फिटनेस वीडियो को राहुल गांधी ने विचित्र बताया, इफ्तार पार्टी में नेताओं से पूछा, क्या आपने मोदी का वीडियो देखा है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया अपने योग और फिटनेस का वीडियो, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार के सीएम कुमार स्वामी को दिया चैलेंज। पीएम के फिटनेस चैलेंज वाले वीडियो पर कांग्रेस बोली, फिटनेस दिखाकर जवानों की शहादत का किया अपमान, 4 जवान हुए हैं शहीद। जम्मू के रामगढ़ में पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवान शहीद, इस साल अब तक 27 जवानों को देना पड़ा बलिदान। मोदी के फिटनेस चैलेंज पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का पलटवार, कहा मेरा ज्यादा ध्यान राज्य की फिटनेस पर। दिल्ली के ताज होटल में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी, राहुल गांधी के बगल में बैठे प्रणब मुखर्जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा पर एनडीए से अलग होने के लग रहे हैं कयास। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बोले राहुल गांधी, कहा महागठबंधन आज देश की जरूरत, किसानों की चौपाल में भी शामिल हुए राहुल। बंगले विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा, 4 चुनाव हारने का ले रही है बीजेपी बदला, कहा बंगले में स्विमिंग पूल था तो गूगल अर्थ से ढूंढो। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोंटी साथ लेकर आए, कहा सरकार बता दे कितनी टोंटी गायब है, मैं लगाने को तैयार हूँ। अखिलेश यादव के आरोपों पर योगी सरकार ने कहा, अगर अपने पैसों से बंगला बनाया तो इनकम टैक्स करे जांच। एलजी दफ्तर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का धरना जारी, बदले में बीजेपी ने केजरीवाल के दफ्तर पर धरना दिया, आम आदमी पार्टी ने निकाला मार्च। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म करने की मांग की, बोले इतिहास में पहली बार ऐसी हड़ताल हो रही है। पूर्व पीएम वाजपेयी की सेहत में लगातार सुधार, एम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कहा जल्द हो सकती है अस्पताल से छुट्टी। एम्स में आज अटल जी को देखने सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कल छत्तीसगढ़ में मोदी भिलाई स्टील प्लांट का करेंगे उद्घाटन, छत्तीसगढ़ में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। कर्नाटक में जयनगर विधानसभा सीट कांग्रेस की सौम्या रेड्डी ने जीत ली है। बिहार में 12वीं के नतीजे में गड़बड़ी को लेकर नीतीश की पार्टी के नेता अशोक चौधरी भड़के, कहा बोर्ड के चेयरमैन आनंद कुमार पद के लायक नहीं। भैयूजी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ, बेटी ने दी मुखाग्नि, लेकिन सुसाई नोट में परिवार की जगह सेवक विनायक को सौंपी जायदाद की जिम्मेदारी। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में दीपिका पादुकोण की बिल्डिंग में आज आग लग गई, आग बुझाने में 2 दमकल कर्मियों की मौत, दीपिका ने ट्वीट कर कहा मैं सुरक्षित हूँ। गिर सोमनाथ में कार ड्राइवर पर कांस्टेबल को कुचलने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। त्रिपुरा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सीएम बिप्लब देव ने लिया हालात का जायजा। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हुई, पहला जत्था दिल्ली से चलकर काठगोदाम पहुंचा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।